Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School presents Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, welcome back to English class. In this series we are studying Chapter 1 of our Hornbill book, The Portrait of a Lady. And till now we have studied this chapter through 5 videos, and this is now the 6th part of the video. We are continuing the chapter on page number 5, second last paragraph. So what we have studied till now? Till now we have studied that the writer Khushwant Singh has described many of the qualities, the character sketch, the looks and the nature, the relationship between his and his grandmother and many other things in this story. इस story में narrator ने अपनी grandmother और अपने बीच की relationship के बारे में बहुत अच्छा बताया है कि they were good friends. उसके बाद उन्होंने अपना सारा routine बताया कि वो grandmother के साथ क्या क्या करते थे, कहाँ स्कूल जाते थे, दादी माँ उनके साथ स्कूल जाती थी. उन्होंने ग्रैंड मदर के नेचर और लुक्स के बारे में भी बताया था, और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि जब वो सिटी में शिफ्ट हो गए अपने मम्मी पापा के पास, तब उनकी और उनकी दादी माँ की जो फ्रेंडशिप थी, ग्रैंड मदर के साथ जो उनकी फ्रेंडशिप थी, उसमें एक टर्निंग पॉइंट आ गया. वो लोग सेम रूम शेयर करते थे, एक ही रूम में रह रहे थे, बट उन लोगों में बातें बहुत कम होती थी. और उसके बाद जो राइटर थे वो अपनी जब यूनिवर्सिटी पे पहुँचे तब उनका रूम भी अलग हो गया था. ग्रैंड मदर पूरी तरीके से अकेली हो गई थी. पूरे दिन वो सिर्फ और सिर्फ चरखा घुमाती थी, अपनी प्रेयर्स रिसाइट करती थी, प्रेयर्स पढ़ती रहती थी, और बस एक दिन भर में आधा घंटा होता था जहाँ पर वो वरांडा में जाकर जो चिड़िया थी, चिड़ियों को दाना या खाना डालती थी, जिसमें वो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके डालती थी. और जो चिड़िया थी, लगभग हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स गैदर्ड देयर ओवर ओवर दैट एरिया. एंड बट ग्रैंड मदर फेल्ट हैप्पी एट दैट टाइम फीडिंग दोज बर्ड्स. उनको उस समय पे वही आधा घंटा होता था जब उनके फेस पर स्माइल देखी जाती थी, और वही एक आधा घंटा था जब वो खुश होती थी. और बल्कि चिड़ियाँ भी उनके पास आकर बैठ जाती थी, उनके पैरों पर, कोई उनके शोल्डर्स पे, और बहुत सी उनके सर पे भी बैठ जाती थी कभी कभी, लेकिन वो कभी भी उनको उड़ाती नहीं थी. वो उनके लिए सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट हाफ आवर होता था. ठीक है, अब इसके आगे की स्टोरी हम इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं. वी विल बी कंप्लीटिंग 2 पैराग्राफ्स गिवन ऑन पेज नंबर 5 एंड रिमेनिंग स्टोरी विल कंप्लीट इन नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. यू कैन टेक आउट योर हॉर्नबिल बुक्स, पेज नंबर 5, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ. व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट. जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब्रॉड यानी कि अपनी कंट्री के बाहर जाना, किसी और कंट्री में जाके पढ़ना, दैट इज़ अब्रॉड. तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जाऊँगा, और मुझे पक्का सा यकीन था मेरी ग्रैंड मदर ये सुन करके अपसेट हो जाएंगी, दुखी हो जाएंगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. वो कहते हैं कि जब मैं अब्रॉड जाता फर्दर स्टडीज़ के लिए तो लगभग मुझे 5 साल के लिए बाहर जाना पड़ता, और मैं उनसे 5 साल के लिए दूर हो जाता. और उनकी जो एज थी इस समय, जो वो इतनी ज़्यादा ओल्ड थी, तो कोई कह नहीं सकता था, कोई कुछ भी नहीं बोल सकता था कि वो भी आगे और कितना जिएंगी, या जब 5 साल बाद मैं वापस आऊँगा तो वो मुझे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी. तो वो कहते हैं कि वो इतनी ज़्यादा एजड थी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी कि उनके लिए कोई कह नहीं सकता था कि मैं 5 साल बाद जब वापस आऊँगा तो वो मुझे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या फिर मैं उनको कभी दोबारा देख पाऊँगा या नहीं देख पाऊँगा. बट माई ग्रैंड मदर कुड. लेकिन मेरी ग्रैंड मदर तो जानती ही होंगी कि वो कितना आगे रहने वाली हैं. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. क्यों नहीं, ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि मेरी ग्रैंड मदर को पता होगा? क्योंकि जब जो खुशवंत सिंह जी थे, ये जब फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जा रहे थे, तो इनकी ग्रैंड मदर बिल्कुल भी सेंटिमेंटल यानी बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई थी. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion.
अब वो क्या कहते हैं कि वो हालांकि वो मेरे साथ मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई थी जब मैं अब्रॉड के लिए जा रहा था, लेकिन उन्होंने ना तो मुझसे या किसी से कुछ बात की, ना ही कोई इमोशन फीलिंग दिखाई अपनी, ना सैडनेस, ना हैप्पीनेस, या ना वरीड वाली फीलिंग कि बच्चा बाहर जा रहा है तो चिंता होती, कोई फीलिंग उन्होंने, कोई भी इमोशन नहीं दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, मैंने सिर्फ यही देखा कि उनके जो लिप्स हैं वो प्रेयर में मतलब मूव कर रहे हैं, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रेयर पढ़ रही थी अपने मुंह में। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, वो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरीके से प्रेयर में खोई हुई थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। अब आप बीट्स ऑफ हर रोजरी क्या होता है, मालाएँ देखते होंगे, बूढ़े लोग जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, मालाएँ ऐसी होती ना मोती जैसी माला, तो वो माला पढ़ते रहते हैं, माला जपते रहते हैं, एक एक मोती आगे आगे पीछे पीछे करते जाते हैं और एक एक मोती पढ़ पढ़ के वो माला पढ़ते रहते हैं, जपते रहते हैं और साथ के साथ प्रेयर बोलते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि उनकी फिंगर्स जो थी वो बिजी थी अपनी वो मोतियों की माला से, मोतियों की माला जपे जा रही थी, उनकी फिंगर्स जो थी वो मोतियों की माला जपने में बिजी थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, लेकिन जब मैं जा रहा था तो चुपचाप से मेरी दादी माँ ने सिर्फ और सिर्फ मेरे फोरहेड को, मेरे माथे को किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज पर हैव द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अस। अब जब दादी माँ बूढ़े लोग किस करते हैं तो थोड़ा सा उनका ना सलाइवा वगैरह लग जाता है उस जगह पे जहाँ पे वो किस करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे बस कुछ नहीं कहा, ना उन्होंने कोई इमोशन दिखाया, ना कोई फीलिंग शो करी, कुछ भी नहीं दिखाया उन्होंने। बस उन्होंने क्या किया, जब मैं जा रहा था तो चुपचाप से उन्होंने मेरे माथे पर किस किया और मैं फिर वहाँ से निकल गया। लेकिन जो दादी माँ की किस थी उससे जो मेरा मेरे फेस पे थोड़ा सा मॉइस्चर सा बन गया था, थोड़ा सा गीला सा हो गया था क्योंकि उनका सलाइवा वो लग गया था, तो मुझे ऐसा फील हुआ, मैं उस चीज़ को, वो मेरे लिए एक बेस्ट मोमेंट था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था उस समय कि शायद वो मेरी दादी माँ के साथ मेरा लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा, क्योंकि 5 साल बाद पता नहीं मुझे मेरी दादी माँ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। 5 साल बाद मैं घर वापस आया और घर वापस आने के बाद मैं स्टेशन पर ही अपनी दादी माँ से मिला। मेरी दादी माँ मुझे लेने स्टेशन पे आई थी, यानी हिज दादी माँ वॉज अलाइव, वो अभी भी जिंदा थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। तो ऑथर कहते हैं कि जितनी वो एज 5 साल पहले थी उतनी ही एज मुझे उनकी आज भी दिख रही है। वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कुछ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई होंगी 5 साल में, वो बिल्कुल भी एक दिन भी बूढ़ी ज़्यादा नहीं लग रही थी, बिल्कुल वैसे ही लग रही थी जैसे वो 5 साल पहले थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। इसका क्या मीनिंग है कि अभी भी वो किसी से बातचीत नहीं करती थी, उनके पास इतना समय नहीं था किसी से बातचीत करें। क्यों? क्योंकि उनका समय किस में गुजरता था, या तो चरखा घुमाने में, या फिर बर्ड्स को खाना डालने में, या फिर अपनी प्रेयर्स करने में। इसके अलावा वो किसी से ना तो बात करना पसंद करती थी, ना किसी से बात करती थी, इसीलिए वो कहते हैं कि वो अभी भी किसी से बात नहीं करती थी। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। वो कहते हैं कि लेकिन जब मैं स्टेशन पे उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे झट से एकदम से क्लैस्प मतलब हग कर लेना, टाइटली होल्ड करना, दैट इज़ क्लैस्प। तो वो कहते हैं कि मेरी दादी माँ ने मुझे बहुत ज़ोर से हग कर लिया और जब उन्होंने मुझे हग किया था तब मैं उनकी प्रेयर्स को सुन सकता था, यानी कि वो मुझे हग करते हुए भी सिर्फ और सिर्फ प्रेयर्स ही बोल रही थी, अपने मुँह में प्रेयर ही बोल रही थी जैसे कि बूढ़े लोग बोलते हैं। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज हुम शी फेड लॉन्गर एंड विद प्रिवलस रिब्यूट्स। अब उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हालांकि 5 साल बाद मैं वापस आया था, मेरा घर में वो पहला दिन था आने के बाद, लेकिन फिर भी मेरी दादी माँ को कोई ज़्यादा न्यू फीलिंग नहीं थी, ना ही उनको ऐसा लगा कि मेरा पोता घर में वापस आया है बहुत ज़्यादा खुश हो वो, नहीं, वो अपना जैसे पहले रहती थी अभी उनका वही रूटीन था और उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट पूरे दिन भर का था वो अभी वही था कि वो स्पैरोज को फीड करती थी, अभी भी वो स्पैरोज के लिए खाना डालती थी, चिड़ियों के साथ आधा घंटा स्पेंड करती थी, उनको खाना डालती थी और वो चिड़ियाँ जो थी वो उनको पहचानने लगी थी और वो आकर के उनके पास बैठ जाती थी विथ
फ्रिवलस रिब्यूक्स का क्या मीनिंग होता है बच्चों? इसका मीनिंग है कि बहुत ज़्यादा प्यार से जब दादी माँ बच्चों को डांटती हैं, या कोई हम काम कर रहे होते हैं और दादी माँ हमें कहती नहीं ये मत करो, ऐसा मत करो, ये अच्छा नहीं है, बहुत प्यार से जब वो हमें किसी काम को करने के लिए मना करती हैं, दैट इज़ फ्रिवलस रिब्यूक्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो कहते हैं, ऑथर कह रहे हैं कि जब मेरा पहला दिन था तब भी मेरी दादी माँ का जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था, हालांकि वो मेरा पहला दिन था, मैं 5 साल बाद वापस आया था, मुझे देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर भी उनका जो हैप्पीएस्ट रूटीन था, हैप्पीएस्ट मोमेंट था पूरे दिन भर का, जैसा पहले था वो आज भी वही था, उनका रूटीन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था। वो जब भी स्पैरोस को खाना डाल रही थी, बस उसमें एक चेंज क्या लगा था उनको, जैसे कि पहले दादी माँ जो थी वो कभी भी चिड़ियों को शू नहीं करती थी, उड़ाया नहीं करती थी, वो चाहे उनके पैरों पर बैठ जाए, लेकिन अब वो थोड़ा सा उनको डांटने लगी थी। यानी कि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और कोई काम वो हमें लगता है कि वो सही नहीं है, तो हम उसको प्यार से या डांट से किसी तरीके से थोड़ा सा समझाते हैं। तो इसी तरीके से दादी माँ भी स्पैरोस को डांटती थी, जैसे कि वो कहती होंगी शायद, ए यहाँ मत बैठो, चलो यहाँ से जाओ, इस तरीके से होता है, लोग पेट से बात करते हैं, और जब पेट्स स्पैरोज स्पेशली जान पहचानने लगती हैं तब हम उनसे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरीके से दादी माँ जो थी वो उनको खाना डालती थी और उनके साथ बातें करती थी और कभी कभी उनको बहुत प्यार से डांटा भी करती थी। ठीक है, सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ, एंड नाउ वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पैराग्राफ इन नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर गोइंग हिट द लाइक बटन फॉर दिस वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।